नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी जी मेडिकल, प्लस टू बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ग्रे मैटर, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, एम्स, जी एंड बोर्ड, डॉक्टर, मेडिकोज एंड इंजीनियर्स की टीम द्वारा संचालित, बिटवीन नाग मंदिर एंड खानका चौक दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस दरभंगा, रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। सेठानी द फैशन मार्ट की नई पेशकश, एस फैशन मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, हनुमान मंदिर के निकट दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, वीटू मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर दरभंगा। गन्ना केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध, प्रवेश करने हेतु सक्षम प्राधिकार से निर्गत गेट पास किया गया अनिवार्य, वाहनों के परिचालन हेतु भी दिशा निर्देश जारी। समस्या ग्रस्त गांव एवं टोलों में पानी की आपूर्ति जारी रखने और पानी की समस्या से निपटने हेतु तालाब का जल्द निर्माण करने का जिलाधिकारी ने दिया आदेश। बढ़ता ही जा रहा गर्मी का सितम, लोगों का घर से बाहर निकलना हो रहा मुश्किल। और भीषण गर्मी को देखते हुए वर्ग पांचवी तक की कक्षाएं स्थगित करने का जिला पदाधिकारी ने दिया निर्देश। छठवीं से आठवीं तक की कक्षाएं सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही होंगी संचालित। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग किला दरभंगा। सीबीएसई करिकुलम, क्लास प्लेट टू फिफ्थ, को एजुकेशन एंड क्लास सिक्स टू टेंथ ओनली फॉर गर्ल्स, विद हॉस्टल फैसिलिटीज, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद स्मार्ट क्लासेस, वेल मेंटेन प्लेग्राउंड विद इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। टुगेदर वी अचीव द। ग्रे मैटर, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, एम्स, जी एंड बोर्ड, डॉक्टर, मेडिकोज और इंजीनियर्स की टीम द्वारा संचालित, हाईएस्ट परसेंटेज वाइज सिलेक्शन रेशियो अमंग ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ दरभंगा, बेस्ट फैकल्टी टीम, सिस्टम एंड पर्सनल केयर, बिटवीन नाग मंदिर एंड खानका चौक दरभंगा। कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम, बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम, डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड दरभंगा। A team of well-qualified and dedicated teachers will equip library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio-visual facility, indoor and outdoor games for all-round development of your ward. Priya Creations, Mithilanchal ka pehla ethnic designer studio, complete women's wedding collection ke saath, V2 Mall ke nikat, Aastha Market, Station Road, Mirzapur, Darbhanga. For all round development of your children, a name to trust upon, New Era Public School in front of Lahiriya Sarai Thana, Darbhanga.
इको फ्रेंडली पीसफुल एंड हेल्दी एटमोसफियर एक्सपोजर टू वेरियस कल्चर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्मार्ट क्लास फैसिलिटीज एज वेल एज ओलंपियाड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कम सी एंड डिसाइड। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI प्लस टू शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस पोस्ट DMC लहरिया सराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021 क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन अवधि 2 वर्ष शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फीटर अवधि 2 वर्ष शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं स्वस्वीकृत संस्थान के कार्यालय से ₹500 नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट, मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहरिया सराय दरभंगा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। और समाचार अब विस्तार के साथ। मतगणना केंद्र पर बाजार समिति परिसर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। प्रवेश करने हेतु सक्षम प्राधिकार से निर्गत गेट पास अनिवार्य होगा। वाहनों के परिचालन पर भी दिशा निर्देश जारी किया गया है। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना शिवधारा स्थित बाजार समिति में होगी 23 तारीख को। वहीं पर मतगणना केंद्र बनाया गया है। मतगणना केंद्र के अंदर एवं बाहर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मतगणना केंद्र में प्रवेश हेतु सक्षम प्राधिकार से निर्गत गेट पास अनिवार्य किया गया है। मतगणना ड्यूटी में प्रतिनियुक्त अधिकारी या कर्मी के लिए प्रशासन द्वारा प्रवेश पत्र जारी किया गया है। वहीं अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्ताओं के लिए भी प्रशासन द्वारा प्रवेश पत्र जारी किया गया है, जिसको साथ लेकर ही मतगणना केंद्र के अंदर प्रवेश मिलेगा। वहीं मीडियाकर्मी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र के आधार पर ही मतगणना केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे। मीडियाकर्मियों के लिए मीडिया सेंटर में बैठने की व्यवस्था की गई है। मतगणना हॉल में मोबाइल फोन ले जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। मतगणना केंद्र में प्रवेश के लिए सभी व्यक्तियों को गेट पर ही बारीकी से तलाशी ली जाएगी एवं मेटल डिटेक्टर से जांच की जाएगी। मतगणना के दिन 23 मई को मतगणना केंद्र के आसपास वाहनों के परिचालन को भी नियंत्रित किया गया है। यातायात व्यवस्था नियंत्रण हेतु दिनांक 23 मई को दिल्ली मोड़ से शोभन चौक तक बाजार समिति वाले भाग से NH 57 पर मतगणना कार्य से संबंधित वाहनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन 5 बजे पूर्वाह्न से मतगणना कार्य की समाप्ति तक बंद रहेगा। शिवधारा चौक से बाजार समिति परिसर एवं NH 57 से बाजार समिति जाने वाली सड़क पर कोई वाहन या व्यक्ति बिना प्रवेश पत्र के नहीं जा सकेंगे। बाजार समिति प्रांगण के अंदर स्थित मतगणना स्थल परिसर में प्रवेश द्वार के अंदर किसी प्रकार के वाहन का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। मतगणना केंद्र में प्रतिनियुक्त अधिकारी या कर्मी के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सभी दुपहिया वाहन मुख्य प्रवेश द्वार के तुरंत बाद गार्ड रूम के पीछे पार्क किए जाएंगे। वहीं पदाधिकारियों के 4 पहिए वाहनों की प्रवेश पार्किंग मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर प्रशासनिक भवन के निकट स्टेट बैंक के सामने के स्थल में होगी। अन्य प्रकार के वाहन NH 57 पर शिवधारा चौक के दोनों तरफ बाजार समिति वाले भाग में लगाए जाएंगे। समस्याग्रस्त गांवों और टोलों में पानी की आपूर्ति जारी रखने और पानी की समस्या से निपटने हेतु तालाब आहर का जल्द निर्माण करने का जिलाधिकारी ने दिया आदेश। समस्याग्रस्त गांव या टोलों में पानी की आपूर्ति जारी रखें, कहा DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने। पानी की समस्या से निपटने हेतु तालाब का निर्माण करवाएं। जल संकट ग्रस्त बहादुरपुर प्रखंड के ओझोल, तारालाही एवं खराजपुर पंचायतों में नल जल योजना के तहत बोरिंग गाड़कर स्टैंड पोस्ट के माध्यम से पानी की आपूर्ति करने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी बहादुरपुर को निर्देश दिया गया है। बहादुरपुर प्रखंड के ओझोल पंचायत के वार्ड नंबर 2, 4, 5, 12, तारालाही पंचायत के वार्ड नंबर 11, 13, 14, 15, 16, 17,
खराजपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2, 3, 6 और 10 एवं देकलू पंचायत के वार्ड नंबर 17 में पानी की कमी की अत्यधिक समस्या होने की सूचना प्राप्त हो रही है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM ने नल जल योजना के तहत बहादुरपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी को उक्त वार्डों में 3 दिनों के अंदर बोरिंग गाड़ कर स्टैंड पोस्ट के माध्यम से पानी की आपूर्ति कराने हेतु सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि तत्काल 30 टैंकरों के जरिए समस्याग्रस्त गांव या टोलों में पानी की आपूर्ति की जा रही है। एक टैंकर से 3-3 ट्रिप में पानी भेजा जा रहा है। जिलाधिकारी ने और 10 अतिरिक्त टैंकर से पानी आपूर्ति करने को कहा। कार्यपालक अभियंता PHED को ग्रामीण क्षेत्र में 5 और पानी का टैंकर बढ़ाने का निर्देश दिया है। वहीं पशु पेयजल आपूर्ति हेतु सौर ऊर्जा आधारित 8 पशु जल टैंक का निर्माण कराने हेतु कार्यपालक अभियंता PHED को निर्देश भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन केंद्र एवं नगर निगम कार्यालय दरभंगा में आपातकालीन नियंत्रण कक्ष में सूचनाएं संकलित की जा रही हैं। पानी की कमी की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित क्षेत्र में तुरंत भ्रमण कर समस्या का समाधान करने हेतु निर्देश भी दिया गया है। जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त दरभंगा को जल संचय योजना के तहत तालाब, आहर, पेन, चेक डैम आदि का निर्माण कराने हेतु निर्देश दिया है। उक्त योजना का क्रियान्वयन मनरेगा योजना के तहत किया जाना है। जल संचय योजना के तहत तालाब, आहर आदि का निर्माण हेतु 107 योजनाएं स्वीकृत हुई है, जिसमें से 48 योजनाओं का कार्य प्रारंभ हो गया है। प्राप्त सूचना अनुसार जिला में कुल 42 तालाब का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 22 योजना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। उसी तरह पेन या आहर निर्माण हेतु 28 योजना स्वीकृत हुई हैं, जिसके विरुद्ध 21 योजनाओं का कार्य प्रारंभ हो गया है। डैम निर्माण हेतु 37 योजनाएं लाई गई हैं, जिनमें से 5 योजनाओं में कार्य प्रारंभ हो गया है। जिलाधिकारी ने अत्यधिक गर्मी के चलते पानी की समस्या उत्पन्न हो जाने के कारण तालाब, आहार, पेन, चेक डैम का तेजी से निर्माण करने हेतु उप विकास आयुक्त दरभंगा को निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने लघु सिंचाई प्रमंडल के अभियंताओं को सावधि निजी नलकूप योजना के तहत गाड़े गए निजी नलकूप का भुगतान 1 सप्ताह के अंदर करने हेतु निर्देश दिया है। तय समय पर निर्देश का अनुपालन नहीं होने पर कार्रवाई भी की जाएगी। उप विकास आयुक्त द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि शताब्दी निजी नलकूप योजना के तहत 405 नलकूप पंचायतों में हस्तांतरित किया गया है, जिनमें से मात्र 103 ही चालू हैं। जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को बंद पड़े नलकूपों की मरम्मति हेतु मुखिया के साथ कार्यशाला आयोजित कर नलकूपों की शीघ्र मरम्मति कराने को कहा। जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम क्षेत्र में जल संकट को देखते हुए नगर आयुक्त दरभंगा एवं कार्यपालक पदाधिकारी बेनीपुर को कहा गया है कि बिल्डिंग विवाल्स के तहत बिना जल संचयन के कोई भी मकान या दुकान का नक्शा जारी नहीं किया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की जल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो। लगातार बढ़ रहा है गर्मी का सितम, लोगों का घर से बाहर निकलना हो रहा मुश्किल। बढ़ता ही जा रहा गर्मी का सितम, तपती धूप और लू में लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। बताते चले कि जिले में लगातार चढ़ रहा गर्मी का पारा, लोग घर से छाता लेकर निकलने को मजबूर। जरूरी कामों को करने के लिए शाम का करते हैं इंतजार, गर्मी से पूरा जनजीवन हुआ बेहाल। भीषण गर्मी को देखते हुए कक्षा 5 तक के क्लास स्थगित, जिला पदाधिकारी ने दिया निर्देश। 6ठी कक्षा से 8वीं तक की कक्षाएं सुबह 6 से 10 बजे तक ही चलेंगे। भीषण गर्मी एवं गर्म हवा चलने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना के मद्देनजर जिला पदाधिकारी दरभंगा के आदेशानुसार जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ग 1 से 5 तक की सभी कक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित की गई हैं। वर्ग 6 से 8 तक की कक्षाओं का संचालन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक होगा। 9:30 बजे मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराते हुए 10 बजे बच्चों को छुट्टी दे दी जाएगी। RPF पोस्ट दरभंगा द्वारा 182 टोल फ्री नंबर को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान, लोगों को इसकी जानकारी दी गई।
सोमवार को आरपीएफ पोस्ट दरभंगा के अधिकारी और जवानों के द्वारा आरपीएफ हेल्पलाइन नंबर 182 के बाबत जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें रेल यात्रियों को बताया गया कि किसी भी प्रकार के परेशानियों से बचने के लिए आप 182 टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। साथ ही नशा खुरानी से बचने आदि के बाबत जागरूक भी लोगों को किया गया। एमएसयू ने वार्ड नंबर 17 एवं 16 में लगाया जल सेवा केंद्र। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नवनियुक्त दरभंगा जिला उपाध्यक्ष अर्जुन पासवान के नेतृत्व में एमएसयू जल सेवा केंद्र का काउंटर वार्ड 17 स्थित शनिदेव मंदिर म्यूजियम गुमती के समीप तथा वार्ड 16 के जेपी चौक के पास लगाया गया। जिला उपाध्यक्ष अर्जुन पासवान ने कहा कि दरभंगा शहर अभी सुखाड़ की स्थिति से गुजर रहा है, जल संकट की स्थिति गंभीर होती जा रही है। पानी पिलाना एक पुण्य का काम होता है, इसलिए आज एमएसयू जिला इकाई के द्वारा जल सेवा केंद्र लगाया गया, जहां हजारों लोगों ने इस तपस भरी गर्मी में अपनी प्यास बुझाई। एमएसयू अपने इस छोटे से प्रयास से जल की इस गंभीर समस्या को लेकर जल सेवा केंद्र आयोजन कर रहा है। मुख्य सहयोगकर्ता के रूप में राजन सिंह, रंगीला जी, अमित कुमार, दीपक राज, राघव चौधरी, केशव चौधरी आदि वहाँ मौजूद रहे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहाँ की ऑक्टोपस, टाराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था, तो फिर देर किस बात की। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आर नेम टू ट्रस्ट अपॉन हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। Quality education with best transport facility, all the vehicles are enabled with GPS, rich library, well equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance, regular direct contact with parents through SMS alert system, emphasis on all-round development, no readmission charges for old students, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 7763819774, Shailendra Jha, Principal. सेठानी द फैशन मार्ट की नई पेशकश एस फैशन मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, हनुमान मंदिर के निकट, दरभंगा। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत, तो कीजिए हमें फोन। ब्रेक के बाद एक बार अपना आप सबों का स्वागत, बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। गन्ना केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध, प्रवेश करने हेतु सक्षम प्राधिकार से निर्गत गेट पास किया गया अनिवार्य, वाहनों के परिचालन हेतु भी दिशा निर्देश जारी। समस्या ग्रस्त गांव एवं टोलों में पानी की आपूर्ति जारी रखने और पानी की समस्या से निपटने हेतु तालाब का जल्द निर्माण करने का जिलाधिकारी ने दिया आदेश। बढ़ता ही जा रहा गर्मी का सितम, लोगों का घर से बाहर निकलना हो रहा मुश्किल। और भीषण गर्मी को देखते हुए वर्ग पांचवी तक की कक्षाएं स्थगित करने का जिला पदाधिकारी ने दिया निर्देश। छठवीं से आठवीं तक की कक्षाएं सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही होंगी संचालित। विश्वविद्यालय कुलानुशासक प्रोफेसर अजीत चौधरी पर फेंकी गई स्याही। सोमवार को विश्वविद्यालय के कुलानुशासक प्रोफेसर अजीत चौधरी के ऊपर केमिकल स्याही फेंका गया। काफी देर तक विश्वविद्यालय में गहमा गहमी की स्थिति बनी रही। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय कुलानुशासक पर स्याही फेंकने की घटना की कड़ी निंदा की। विश्वविद्यालय के कुलानुशासक प्रोफेसर अजीत चौधरी के ऊपर केमिकल स्याही फेंका गया है। यह घटना छात्र शिक्षक के संबंध को कलंकित करती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस हमला की कड़ी निंदा की है। और मंगलवार को विश्वविद्यालय बंद कराएगा संयुक्त छात्र संगठन आयशा, एआईएसएफ, छात्र राजद और एसएफआई ने किया ऐलान। छात्र संघ अध्यक्ष की बर्खास्ती को लेकर कल विश्वविद्यालय बंद रहेगा। आयशा, एआईएसएफ, एसएफआई, छात्र राजद की संयुक्त बैठक आयशा राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में छात्र अध्यक्ष
को अब तक बर्खास्त नहीं करने पर विश्वविद्यालय प्रशासन की निंदा की गई। बैठक में तय किया गया कि कल विश्वविद्यालय को अनिश्चितकालीन तालाबंदी किया जाएगा। ये अब तक के समाचार डालेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। गन्ना केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध, प्रवेश करने हेतु सक्षम प्राधिकार से निर्गत गेट पास किया गया अनिवार्य, वाहनों के परिचालन हेतु भी दिशा निर्देश जारी। समस्या ग्रस्त गांव एवं टोलों में पानी की आपूर्ति जारी रखने और पानी की समस्या से निपटने हेतु तालाब का जल्द निर्माण करने का जिलाधिकारी ने दिया आदेश। बढ़ता ही जा रहा गर्मी का सितम, लोगों का घर से बाहर निकलना हो रहा मुश्किल। और भीषण गर्मी को देखते हुए वर्ग पांचवी तक की कक्षा स्थगित करने का जिला पदाधिकारी ने दिया निर्देश। छठवीं से आठवीं तक की कक्षाएं सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही होंगी संचालित। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले शाम में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।